झुंझुनू में इस बार ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। ये निर्णय ईदगाह करबला कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी शहर काजी शफीउल्लाह खान ने दी। उन्होंने कहा कि 24-25 मई को आने वाली ईद की ईदगाह पर विशेष नमाज नहीं होगी, सभी लोग अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करने वाले हैं। शहर काजी ने सभी से अपील भी की कि ईद के दिन भी किसी के घर पर ना जाए और अपने घर पर ही रहे, और ना ही मुसाफा मिलाना और ना ही गले मिलना है। हमें सभी को जुबानी मुबारकबाद देनी है, नमाज के बाद ही दुआ करें कि हमारे मुल्क को कोरोना वायरस से जल्द ही निजात दिलाए। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि गंगा जमुनी तहजीब भी लगातार यहां बनी रहे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम है, और हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है, हमारा ये विश्वास है कि एक ताकत, एक अदृश्य शक्ति जो पूरी जिसके हाथ में पूरी जो पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, और वो इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाती है वो। और हम ये समझते हैं कि शायद यही वजह है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो जो चाहता है वो होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। तो शायद लगता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और इस वजह से हमारी मस्जिदें बंद हैं। हमने शबे बारात मनाई, घर पे मनाई, हम मस्जिद नहीं गए। हमारे फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं घरों पे होती हैं, और जुम्मे होते हैं तो जुम्मे की नमाज भी जो है वो हम जोर की नमाज अदा करते हैं।